अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कलाम हक और मैं आपका अपना साथी मोहम्मद नईम मखदूमी। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जुमे की फजीलत में कि जुमे के दिन नमाज के लिए जो सबसे पहले मस्जिद में जाता है उसे क्या इनाम मिलता है। आइए, ये जानने से पहले जो भी नाजरीन हमारे चैनल पर नए हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आगे बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़ में हिदायत, नौशे बज़ में जन्नत, मंबा जूदो सहाबत, सराफा फजल और रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है। जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते आने वालों को लिखते हैं, जो पहले आए उसको पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला की राह में एक ऊँट सदका करता है, और इसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है, इसके बाद आने वाला उस शख्स की मिसल है जो मेंढा सदका करता है। मेंढा कहते हैं भेड़ को। फिर इसकी मिसल है जो मुर्गी सदका करता है। फिर उसके बाद आने वाला जो अंडा सदका करे। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो वो आमाल नामों को लपेट लेते हैं और आकर खुतबा सुनते हैं। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने फरमाया कि मलाइका जुमा की तुलू फज्र से खड़े होते हैं, बाज़ के नज़दीक आफ्ताब चमकने से, मगर हक ये है कि सूरज ढलने यानी इब्तदाए वक्त जोहर से शुरू होते हैं, क्योंकि उसी वक्त से वक्त जुमा शुरू होता है। मालूम हुआ कि वो फरिश्ते सब आने वालों के नाम जानते हैं। ख्याल रहे कि अगर अव्वलन 100 आदमी एक साथ मस्जिद में आए तो वो सब ऊँट के सदक़े के बराबर लिखे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम मुसलमान को जुमे की नमाज के लिए सबसे पहले पहुंचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।